नमस्कार, आप देख रहे हैं HBR न्यूज। 169 दिन बाद आज फिर से दिल्ली मेट्रो ट्रेन चल गई है, लेकिन कोरोना की वजह से यात्री पहले की तरह यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं यात्रियों को यात्रा के दौरान किन नियमों का रखना होगा ध्यान। लॉकडाउन में बंद की गई दिल्ली मेट्रो 169 दिन बाद आज फिर से चल पड़ी। दिल्ली पुलिस ने सभी स्टेशनों के बाहर भीड़ प्रबंध के लिए तैनाती की है। यात्रियों के सुरक्षित सफर की पूरी तैयारी कर ली गई है और यात्रियों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने और कोच में बातचीत से बचने की अपील की गई है। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 20% यात्रियों के साथ संचालित होगी, जबकि एक्वा लाइन पर नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 15 स्टेशनों पर केवल एक गेट से ही प्रवेश और निकास होगा। पहले चरण में येलो लाइन का संचालन 2 पालियों में होगा। इस लाइन से जुड़े वो स्टेशन जो कंटेनमेंट जोन के दायरे में हैं, बंद रहेंगे। 2 दिन बाद 9 से 12 सितंबर तक चरणवार अन्य लाइनें भी खोल दी जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रविवार शाम तक संचालन संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही यात्रियों से जरूरी होने पर ही मेट्रो में सफर करने और कोच में एक दूसरे से बेवजह बात नहीं करने की अपील की है, ताकि कोरोना फैलाव की आशंका को टाला जा सके। फिलहाल सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे के बीच ही मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। कोरोना से बचाव के तमाम उपाय करने के साथ ही DMRC फिलहाल 20% यात्रा क्षमता के साथ ही मेट्रो संचालन करेगा। यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण गत 22 मार्च को मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थी। DMRC और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यात्रियों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने बताया कि 49 किलोमीटर लंबी येलो लाइन पर 37 स्टेशन खुले रहेंगे। शुरुआती 2 दिनों तक 57 मेट्रो ट्रेनें 762 फेरे लगाएंगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशनों पर मेट्रो के रुकने का वक्त बढ़ाया गया है। DMRC ने एरोसोल ट्रांसमिशन रोकने के लिए यात्रियों से सफर के दौरान कम से कम बातचीत करने की अपील की है, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। DMRC के मुताबिक किसी स्टेशन पर भीड़ ज्यादा है और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो हो सकता है उन स्टेशनों पर मेट्रो को न रोका जाए। हालांकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए हर स्टेशन पर मेट्रो 10 से 20 सेकंड अधिक रुकेगी। जरूरत हुई तो इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। यात्रियों को 15 से 30 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट HBR न्यूज।